वाराणसी में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर एक विशाल मशाल जुलूस निकाली गई, जिसमें सभी केंद्रीय व राज्य कर्मचारी, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ सहित तमाम संगठन शामिल रहे। यह मशाल जुलूस यात्रा वाराणसी कैंट रेलवे परिसर से इंग्लिशिया लाइन होते हुए भारत माता मंदिर पर जाके समाप्त हुई। देखिए हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। हम शैल कुमारी, मात्र शिशु महिला कल्याण। क्यों निकाली है आप लोग? अरे जुलूस पुरानी पेंशन के लिए निकाले हैं, नई पेंशन दे रहे हैं, उससे हम लोगों को परेशानी हो रही है। पुरानी पेंशन दे कर करके पुरानी बुढ़ापे की लाठी हमको चाहिए, इसलिए हम लोगों ने धरना जुलूस निकाला है। आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? जेल भरो आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, संसद घेराव करेंगे, रेल का चक्का जाम होगा, रेल का चक्का जाम होगा, कर्मचारी सब एकता दिखाएंगे, संसद का घेराव करेंगे। जब तक हम तैयारी है गिरे के जगह जाम करेंगे, मगर होता नहीं है। नहीं होगा, प्रयास कभी विफल नहीं होता है, होगा। अब आने वाले दिन में हम लोगों की मांगे पूरी होगी। योगी सरकार, मोदी सरकार, सारे लोग जाग रहे हैं, उनको खबर जा रही है और LIO के थ्रू। और हम LIO से ये भी कहेंगे कि कर्मचारियों की एकता और कर्मचारियों की मांग को वहाँ तक पहुँचाएँ, शासन सत्ता तक पहुँचाएँ, और हमारे पुराने साथी जो पेंशन पा रहे हैं उसी तरह से नए साथियों को भी पुरानी पेंशन लागू की जाए। और जब तक पुरानी पेंशन नहीं लागू होगी, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, पुरानी पेंशन लेकर के ही रहेंगे। हंस श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज कर्मचारी संघ परिषद और पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के मैं संयोजक वाराणसी। देखिए सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि विगत 8 साल से 10 साल से आप लोग हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जनमत से लेकर के ऊँचे स्तर माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचा रहे हैं। इसके साथ आज 10 साल बाद भी हमारी मांग ये पूरी नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से ये बड़ी विडंबना है कि काशी की धरती से हमारे सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है वो जहाँ जहाँ चुनाव हार रहे हैं वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो रही है, लेकिन जहाँ की ये मौजूद है वहाँ पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही है। मैं बनारस की धरती से, बाबा भोलेनाथ की धरती से, मैं आह्वान करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से कि आप देश में एक नया इतिहास रचें और ये जो नए युवा सर जिनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा है पुरानी पेंशन, उसकी बहाली की घोषणा या तो लाल किले से करिए या संसद भवन के अंदर से करिए। आपका तभी स्वागत है, अभिनंदन है, और नहीं तो ये जानते हैं काशी धरती बाबा भोलेनाथ की धरती हम अड़भंगी है, हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। सदन के अंदर घुस के भी हल्ला करना पड़ेगा तो पुरानी पेंशन के लिए दान मान धन अपनी जान निछावर करने के लिए मैं तैयार हुआ पुरानी पेंशन लेकर।